दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया। भारत की दो सरकारी तेल कंपनियां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ तेल खरीद को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जो फेल हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के दाम 13 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए हैं और रुपए भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ने का सीधा असर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ता है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड $124 प्रति बैरल के करीब पहुँच गया। ये 13 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और बढ़ते घाटे को कम करने के लिए देश की जनता पर बोझ डाला जा सकता है या बोझ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में दिखेगा। ऐसे में अगर रूस से भारत को सस्ता कच्चा तेल नहीं मिलता है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना लगभग तय है। जी हाँ, आपको बता दें IOC के कॉन्ट्रैक्ट में सभी मेजर करेंसी जैसे रुपए, डॉलर और यूरो में पेमेंट शामिल है, जो ट्रांजैक्शन के समय उपलब्ध पेमेंट सिस्टम पर निर्भर करता है। भारत रूस से यूरल ग्रेड ऑयल खरीदता है, लेकिन IOC ने अपनी डील में शोकोल ग्रेड और ESPO ब्लेड को भी शामिल किया है। रोसनेफ्ट दूसरे ग्राहकों को भी तेल सप्लाई कर रहा है, जिससे उसके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है कि वह भारत की कंपनियों को बेच सके। भारतीय रिफाइनर को अब कच्चे तेल के लिए स्पॉट मार्केट का रुख करना पड़ सकता है, जहां तेल महंगा है। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि HPCL और BPCL को जुलाई में लगभग 10 लाख से 20 लाख बैरल रूसी तेल मिल सकता है। भारत के साथ डील को कैंसिल करना इस बात का भी संकेत देता है कि रूस पश्चिम प्रतिबंधों के बढ़ते दबाव के बावजूद अपने तेल को निर्यात जारी रखने में कामयाब रहा। सूत्रों ने कहा है कि एवरेस्ट एनर्जी, कोरल एनर्जी, बेलाट्रिक्स और सनराइज जैसे ट्रेडिंग फर्म्स के जरिए रोसनेफ्ट कच्चे तेल को मार्केट में ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।